छठ का महापर्व एक बार फिर से हम सब के जीवन में सौभाग्य और आशीर्वाद लेकर एक बार फिर आ गया है। भगवान सूर्य हम सभी को आशीर्वाद दे, हम सबके जीवन में छठी माई सुख और आनंद की वर्षा करे, भरा पूरा रहे हम सबका आंचल और परिवार। छठी माई आरोग्य दे, धन दे, बल दे, सुख दे, शांति दे, ऐसा महापर्व है छठ, जिसमें सभी रीति रिवाज, परंपराएं, सौहार्द, भाईचारे की बात करते हैं। पूरा समाज एकत्रित होकर एक साथ ये त्योहार मनाता है। क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी एक साथ प्रकृति को समर्पित, प्रकृति को ही पूजित और प्रकृति से प्रेरित छठ महापर्व यह संदेश लेकर के भी आता है कि एक ऐसा पर्व है जहां आज भी व्यवसायिकता हावी नहीं होने पाई है। सभी एक समान है, क्या राजा क्या प्रजा, क्या धनवान क्या किसान। छठ माई का पर्व आ गया है, पंचमी षष्ठी और सप्तमी तीन दिन का ये व्रत लेकर सभी औरतें घरों में सफाई करा रही हैं, नहाए खाए खरना और फिर सूरज को अर्घ देना, इस सब की प्रतीक्षा होती है। आइए आज कार्यक्रम का प्रारंभ करें एक पारंपरिक छठ गीत से।
अगोरत अगोरत न जाने कब समय बीत जाता है। लोग कहते हैं कि कार्तिक की इतनी ठंड में पानी में आधी कमर तक डूब के कैसे व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को, पहले डूबते सूरज को और फिर उगते सूरज को। और आप समझ सकते हैं कि अस्ताचल सूर्य के लिए भी अंधेरे में जल में ये सभी व्रती महिलाएं खड़ी होती हैं, और उगते हुए सूरज को भी अर्घा देने के लिए एकदम भोर में लाइन लग जाती है कि सबसे पहले कौन उगते सूरज को देखेगा। उस समय इतनी ठंड होती है, लेकिन ये व्रत की और छठी माई के प्रति श्रद्धा तपस्या ऐसी होती कि ठंड लगने भी नहीं पाती। तो जो मन के भाव हैं वही छठी माई के गीतों में सामने आए हैं। गोड़वा पिरैले कमर पिरैले, कब से हम बानी ठाण, हाली हाली उगे आदित्य मल, कब से हम बानी ठान। और छठी माई यदि आ गई तो उनसे मनाएंगे क्या, आइए सुनते हैं।
बैठी माइया सब पर कृपा अपनी बनाती और यही तरह कृपा बरसत करे। तोरी कृपा से मैया जग उजियरिया, कृपा से जग उजियरिया, तोरी कृपा से मैया जग उजियरिया हो, जग उजियरिया, जग उजियरिया, जग उजियरिया रे, जग उजियरिया रे, जग उजियरिया, जग उजियरिया, तोहरी कृपा से मैया जग उजियरिया, तीस नवा संसार छठी मैया सुन लिए रजिया। We'll be right back.
होई ना पलम जी कहरिया।